सुस्वागत करता आपका साई कृपा फार्म हाउस में। अभी जस्ट चेकिंग कर रहे हैं मैं और प्रवेश नूब। देख लो ये जस्ट बाहर का इंटरफेस, यहाँ पे गार्डन एरिया भी है। एक्चुअली ये 2 BHK का फार्म हाउस है जहाँ पे आपको रेंडा सुना सब कुछ मिल जाता है। अभी जस्ट चेकिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे इंटर करते ही अभी आपको राइट साइड में देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टेज में आपको सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा, बट थोड़ा सा वेट करो, बस जाके पहुँच तो गए ऑलमोस्ट। आपको सब कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जिसमें है पाव भुर्जी पोहा, जो कि हमने अलग से बोला है उनको बनाने के लिए पोहा। वैसे तो एक ही चीज़ मिलता है, फिर भुर्जी मिलेगा या फिर पोहा मिलता है। और चाय आ रहा है अभी, चाय भी बाकी सेट हो गया सब खाने के लिए। सो यहाँ से एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है पार्किंग एरिया, जो कि आप यहाँ भी पार्क कर सकते हो और बाहर भी पार्क कर सकते हो, बट यहाँ पे इतना स्पेस है तो क्या जरूरत है बाहर पार्क करने की। और फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है गार्डन एरिया, जो कि छोटा सा गार्डन एरिया है, यहाँ पे आप कोई बच्चे बच्चे हैं तो इन्जॉय कर सकते हैं। फिर इंटर करते ही लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है बहुत सारे प्लांट्स, जो कि आप ऐसे ही टूर ले सकते हो, अंदर घूम के आ सकते हो, क्योंकि आम के पेड़ हैं, कलमी आम के पेड़। सो एक्चुअली ये 3 BHK का है, 2 BHK का नहीं, 3 BHK का है। यहाँ पे आपको चलो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये स्पेशियस सा हॉल, यहाँ पे आप रात में अगर आपको बाहर इंजॉय नहीं करना है तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे गद्दा वद्दा बहुत सारा दिया हुआ है, मैट्रेस दिया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे बिछाने के लिए, करूँगा तो बहुत अच्छा लाइट भी जलेगा। और यहाँ पे फिर आपको मिल जाता है ये फर्स्ट बेडरूम, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, देख लो आप बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। प्लस AC मिल जाता है, फैन मिल जाता है और अटैच वॉशरूम मिल जाता है, और वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नीटे, यहाँ पे वॉश बेसिन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिल जाता है आपको, देख लो, विथ गीज़र और शावर। और फिर यहाँ से निकलते, ये फर्स्ट बेडरूम था, यहाँ से निकलते ही आपको बगल में मिल जाता है सेकेंड बेडरूम, जो देख लो ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। और सेम इसमें भी आपको AC फैन और वॉशरूम अटैच मिल जाता है, तो बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा, मतलब पेंट वेंट काफ़ी अच्छा किया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। तो ये 2 बेडरूम्स है और ये एक हॉल है आपको, और एक बेडरूम है वो बैक साइड में है, वो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। बाहर ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप धमाल तो पूरे फार्म हाउस में कर सकते हो। आप आपको स्टेज मिल जाता है अगर आप लाइक अगर आप ऑफिस से आ रहे हो या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, एंगेजमेंट हुआ, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। बहुत अच्छा स्टेज ये बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल है, ये गार्डन एरिया है, आप खेल सकते हो आराम से। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिटिंग जोन बनाया हुआ है, यहाँ पे कैरम बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे आप कैरम बोर्ड खेल सकते हो। और फिर यहाँ से उतरते ही यहाँ पे आपको सेकेंड बेडरूम थर्ड बेडरूम मिल जाता है। रूम तो आपने देख लिया, एक ये देख लो जो कि अभी 1 BHK है। यहाँ पे दोनों 3 रूम्स है, आपको तीनों दिखा दिया मैं। और यहाँ पे नीट एंड क्लीन आपको वॉशरूम मिल जाता है बहुत ही अच्छा, क्योंकि काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस में, गीजर भी है और शावर भी है। स्पीकर की बात करोगे तो सामने एक स्पीकर है बहुत बड़ा, देखो वहाँ पे प्रवेश खड़ा हुआ है, और फिर एक स्पीकर जो बज रहा है ऑलरेडी वहाँ पे बज रहा है। और ये बहुत अच्छा है भाई कि अंदर तो आपको बहुत सारे वॉशरूम्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, बट आपको बाहर भी आपको वॉशरूम बना के दिया हुआ है, देख लो। यहाँ पे चेंजिंग रूम है, ये लेडीज टॉयलेट्स और ये जेंट्स टॉयलेट, तो काफ़ी अच्छा बना के दिया हुआ है देखो। और आप फार्म हाउस में आए हो और फार्म हाउस का वाइब नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, देख लो पे बहुत सारे प्लांट्स हैं।
तो कर लिए चेंज और अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो काफ़ी ह्यूज स्विमिंग पूल है, देख सकते हो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, रेन डांस मिल जाता है, रेन डांस चालू करवाएंगे हम लोग जो कि आप धमाल बचा के यहाँ पे गाना बजा सकते हो और फुल नाच वाच के मजा करो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वैसे पुल ज़्यादा डीप भी नहीं है, लाइक मेरे यहाँ तक चेस्ट तक है और बहुत अच्छा है। सो फाइनली अंदर से खुद नहा बहा के चेंज करके सब कुछ हो गया है, अभी जा रहे हैं जस्ट यहाँ पे खाना लगा रहे हैं और भाई एंजॉय करते करते कब भाई ढाई बज गए, ढाई से तीन बज गया लगभग, मालूम ही नहीं पड़ा। अभी देखो खाना लग रहा है हमारा सच प्रॉपर, देखो चिकन चिकन ग्रेवी, चिकन सूखा भी आ रहा है, चिकन ग्रेवी ग्रेवी भी आया है। तो आ गया अपना खाना जिसमें मेरा चिकन ग्रेवी है, चिकन सूखा है, चिकन सूखा है, चिकन ग्रेवी है, भाकरी है, चावल है और ये सैलेड है भर के, इसमें और भाकरी यहाँ पे राइस और रखा हुआ है, यहाँ पे और ग्रेवी रखा हुआ है और बैठ गए हम दोनों जन। ये सामने उनका किचन एरिया है, चलो फिर शुरू करते हैं। आपको फूड रिव्यू वीडियो के एंड में बताऊँगा कैसा था फूड। अभी आ गया अपना इवनिंग का चाय और बिस्कुट जो कि प्यारे से सनसेट के साथ में, तो पूरा ब्राउनी हो गया एकदम प्यारा सा। तो चलो सो वेलकम, आपको ऐसा मैंने बोला था कि आपको मैं प्राइस वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो हियर आई एम। तो आपको मैं प्रसाद एड्रेस शेयर करने वाला हूं। सो इस फार्म हाउस का नाम है साई ग्रुपा फार्म हाउस जो लोकेटेड है बदलापुर में और बदलापुर स्टेशन से हार्डली 7 या 7.5 किलोमीटर पर है, जहाँ पर आप इजिली शेयरिंग ऑटो से भी आ सकते हो, लिटरली शेयरिंग ऑटो से भी आ सकते हो। बदलापुर रेलवे स्टेशन के बाहर से ही कैनरा बैंक के वहाँ से ही आपको शेयरिंग ऑटो मिलती है जिसका कॉस्ट 30 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप प्राइवेट करना करके आना चाहते हो तो 200 से 250 रुपीज़ चार्ज करते हैं। यहाँ का जो विलेज का नाम है वो है अम्बेश्यू विलेज है, वहाँ से अगर आप अम्बेश्यू विलेज अगर आप शेयरिंग से आ रहे हो तो अम्बेश्यू विलेज स्टैंड पर आपको छोड़ देगी, वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर ये लोकेटेड है, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं प्राइस की। सो प्राइस में आप स्टार्ट करता हूँ डे से, अगर आप डे की प्राइस देखोगे तो डे प्राइस है 400 रुपीज़ पर पर्सन विदाउट फूड और 700 रुपीज़ पर पर्सन विथ फूड। डे प्राइस है जिसमें आपको मॉर्निंग चेक इन रहेगा और इवनिंग में चेकआउट रहेगा, विथ फूड 700 रुपीज़ है। और अगर आप बात करोगे स्टे की 24 आवर की तो वीकडे का प्राइस है 1300 रुपीज़ पर पर्सन विथ फूड और वीकेंड का प्राइस है 1600 रुपीज़ पर पर्सन विथ फूड, तो पर पर्सन। तो यह है वीकेंड का प्राइस, 25-30% की आराम से कैपेसिटी है यहाँ पे, फीचर फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा और वाईफाई है यहाँ पे अनलिमिटेड, गेम्स है बहुत सारे, कैरम बोर्ड, बैट बॉल, बैडमिंटन, एवरीथिंग। तो
तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगने वाला है। किससे कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनको आप डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सअप करके जैसा आपका चॉइस हो आप वैसा आप उनको बोल सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये यहाँ पे खुद केयर टेकर है, वो खुद बनाते हैं, तो उसका कंप्लीट ध्यान रहेगा। यहाँ पे फ्रिज भी है, अगर आप कुछ स्टॉक लेके आना चाहते हो तो आप लेके आ सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इतने सारे इन्जॉयमेंट थे और हम आए थे डे के लिए, तो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय अलविदा, कीप लविंग यू सो मच, प्यार मोहब्बत देते रहो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दो, आपका वो छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो बाय बाय अलविदा, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।